हेलो एवरीवन, नाउ वी विल स्टार्ट स्क्वामस एपिथेलियम, जो कि एपिथेलियम टिश्यू का फर्स्ट टाइप है। स्क्वामस वर्ड स्क्वामा से आया है। स्क्वामा का मतलब होता है स्केल ऑफ स्किन, और ये स्केल फिश में बहुत अच्छे से देखने को मिलता है, जो इस टाइप का होता है। फिश पे जो स्केल पाया जाता है वो इस तरह का होता है। एंड स्क्वामस एपिथेलियम में जो सेल पाए जाते हैं वो सेल थिन, फ्लैट एंड इरेगुलर इन स्ट्रक्चर होते हैं। इनका फंक्शन होता है प्रोटेक्शन एंड एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस। अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ लेयर्स ये दो तरह के होते हैं। एक होता है सिंपल स्क्वामस एंड दूसरा होता है स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस। तो यहाँ पे ये जो डायग्राम है ये सिंपल स्क्वामस का है, एंड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस का स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट ऐसा होगा। अगर हम सिर्फ साइड वाला ड्रॉ करें तो ये स्ट्रक्चर जो है ये इस तरह का होगा। एक लेयर के तो ये होंगे नहीं, क्योंकि ये स्ट्रेटिफाइड है तो ये बहुत सारे लेयर्स के बने हुए होंगे, और ये इस तरह का होगा। सबसे नीचे वाले लेयर से क्या अटैच रहता है? नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर अटैच रहता है, जिसको कि हम लोग बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं। और न्यूक्लियस, हर सेल में न्यूक्लियस पाया जाता है एंड साइटोप्लाज्म पाया जाता है। सिंपल स्क्वामस एक लेयर का बना हुआ होता है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस बहुत सारे लेयर्स के बने हुए होते हैं। चूंकि ये एक लेयर का बना हुआ होता है इसीलिए ये थिन लाइनिंग फॉर्म करता है ऑर्गन्स में, एंड ये बहुत सारे लेयर्स का बना हुआ होता है इसीलिए ये थिक लाइनिंग एंड थिक कवरिंग फॉर्म करता है। लाइनिंग क्या होता है, कवरिंग क्या होता है, हम लोग पिछले वीडियोज में समझ चुके हैं। चूंकि ये बहुत पतला होता है, so its main function is exchange of substance, and it is found in the lining of blood capillary and alveoli of lungs. इस चीज को थोड़ा डायग्राम से समझते हैं। सपोज कि ये हमारा ब्लड कैपिलरी है एंड ये एल्वियोलाई है। सिंगल को एल्वियोलस बोलते हैं। एल्वियोलाई छोटा छोटा सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, और इसी से हमारा लंग्स बना हुआ होता है। इसके थ्रू ऑक्सीजन बॉडी के अंदर जाता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के बाहर जाता है। इन दोनों के लाइनिंग में सिंपल स्क्वामस पाया जाता है। सपोज ये है सिंपल स्क्वामस का लाइनिंग, एंड इसमें भी सिंपल स्क्वामस का लाइनिंग है, एंड ये जो लाइनिंग है ये हेल्प करता है ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर आने में एंड कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी के बाहर जाने में। उसी तरह से कैपिलरीज में क्या होता है, ऑक्सीजन कैपिलरी से सेल के अंदर जाता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड सेल से कैपिलरी के अंदर जाता है। और इस एक्सचेंज में कौन हेल्प किया? सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। As stratified squamous is thick due to many layers, its main function is protection. और protection में भी किस तरह का protection? It prevent wear and tear. ये organs को कटने छटने से बचाता है। ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो हमारा skin जो है वो stratified squamous का बना हुआ है, and हमारा mouth का जो lining है, ईसोफेगस का जो लाइनिंग है वो भी स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस का बना हुआ है। एनसीईआरटी बुक में ये लिखा हुआ है कि माउथ की लाइनिंग एंड ईसोफेगस की लाइनिंग स्क्वामस एपिथेलियम से होती है। इसमें ये स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस से होता है। बुक में स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस का सिर्फ एक एग्जाम्पल है एंड वो है स्किन। अभी तक हम लोग जो भी समझे हैं वो लिख लेते हैं। नाउ रिविजन। स्क्वामस एपिथेलियम ऐसे सेल्स के बने हुए होते हैं जो कि थिन, फ्लैट एंड इरेगुलर इन स्ट्रक्चर होते हैं। इनका मेन फंक्शन प्रोटेक्शन
एन एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस होता है. अकॉर्डिंग टू लेयर्स, नंबर ऑफ लेयर्स, ये दो तरह के होते हैं, सिंपल स्क्वामस एंड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस. सिंपल स्क्वामस जो होता है वो बहुत पतला लेयर होता है, इसीलिए इनका मेन फंक्शन एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस होता है. और ये पाया जाता है कैपिलरी के लाइनिंग में एंड एल्वियोलाई के लाइनिंग में. स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस मेनी लेयर्स के होते हैं, इसलिए वो थिक होते हैं और ये थिक लाइनिंग एंड कवरिंग बनाते हैं. और इनका मेन फंक्शन होता है प्रोटेक्शन, इट प्रिवेंट वेयर एंड टियर. एंड ये मेनली पाए जाते हैं हमारे स्किन पे, हमारा स्किन स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस का बना हुआ होता है एंड हमारा जो माउथ एंड ईसोफेगस का लाइनिंग है वो भी स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस का बना हुआ होता है. सबसे टफ एंड सबसे थिक स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस हमारे हाथ के तलवे पे एंड पैर के तलवे पे पाया जाता है. सो दिस इज ऑल अबाउट स्क्वामस एपिथीलियम. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्यूबॉइडल एपिथीलियम को पढ़ेंगे.